हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मलाई गुलाब जामुन, वो भी हम प्रीमिक्स पाउडर से बनाएंगे। बहुत जल्दी आसानी से ये बन जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। आपके सावन में रक्षाबंधन पे इस तरीके से आप गुलाब जामुन, मलाई गुलाब जामुन बनाइए। बहुत ही आसान है, घर पर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1/2 kg हमने चीनी ले लिया है और ये रहा 1 पाव पानी। हमने पैन ले लिया है, इस पैन में चीनी को डाल देते हैं और ये जो रहा पानी, ये रहा दूसरा ग्लास। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं चाशनी को तैयार करने के लिए। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, चाशनी को तैयार होने देते हैं। चाशनी जो है तैयार हो गई है, चूल्हे को बंद कर देते हैं और मलाई जो है तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए हमें मलाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये कढ़ाई ले ली है और हम मलाई जो है तैयार करेंगे मिल्क पाउडर से। देखिए, इससे हमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर हमें ले लेना है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, 1 टेबल स्पून हमने ये चीनी डाल दिया। अब इसमें हम दूध का यूज़ करेंगे, हमने ये 1 कप के अनुसार हमने ये दूध लिया है। दूध को डाल देते हैं, अब इसे साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, हल्की फुल्की ये गुठली है इसमें। अब हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं और लगातार चलाते हुए हमें मलाई जो है तैयार करनी है। मावा जो है तैयार हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सूख गया है, मलाई जो है बहुत अच्छे से ये तैयार हुई है। सूखेगी तो थोड़ा और टाइट हो जाएगी, ये अभी थोड़ा सा नरम है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। हमने ये कटोरा ले लिया है और उसके लिए हमने यूज़ में लिया है ये प्रीमिक्स गुलाब जामुन का जो पाउडर है। अब इसे हम ले लेते हैं कटोरे में, हमने इसे ले लिया है। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रीमिक्स है और इसमें आप इसको पानी से या दूध से गूँथ सकते हैं आटे को, लेकिन हमने जो है दूध लिया है गूँथने के लिए। ये गर्म करके ठंडा, नॉर्मल ठंडा है एकदम, और इससे हम गूँथेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हमें गूंथना है, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम पड़ जाएगा। आटा जो है गूंथ के तैयार हो गया, अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आटा जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें से हमें ले लेना है और इसे हमें हाथों में ऐसे घुमाना है। पहले हाथों में हम घी लगा लेंगे, घी या तेल आप लगा सकते हैं, और इसे हमें गोल करते हुए ऐसे लंबे में कर लेना है। ऐसे ही सारा बना के तैयार कर लेंगे। तेल को हमने रख दिया है, तेल जो है गर्म हो गया है और गुलाब जामुन भी हमने बना के तैयार कर लिया है। 1 कटोरी से हमने 8 गुलाब जामुन जो है बना के तैयार किया है। अब तेल में डाल देंगे, इसे तलेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने डाल दिया है, इसे लगातार चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है कि ये चारों तरफ अच्छे से तले, नहीं तो क्या होगा कि एक साइड तल जाएगा और दूसरे साइड ये बार बार पलटने लगेगा, इसलिए बार बार हिलाते हुए इसे हमें तल के तैयार करना है। गुलाब जामुन जो है तल चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर और चाशनी में इसे हम डाल देंगे। चाशनी अभी गर्म है, इसको चाशनी में डालते जाएंगे। सारे गुलाब जामुन जो है हमने चाशनी में डाल दिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे साइज़ में ये कैसे डबल हो जाएंगे। रसगुल्ले जो है ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं थाली में। आप देख सकते हैं कितनी जूसी ये बन के तैयार हुए हैं। सारे रसगुल्ले हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। सारे रसगुल्ले हमने चाशनी से बाहर निकाल लिया है, अब इसे हमें बीच में ऐसे कट लगाना है। पीछे के साइड जो है ज्वाइंट होना चाहिए। देखिए, ऐसे हमने इसे कट लगा लिया, ये पीछे के साइड जो है ज्वाइंट है। ऐसे ही सारे रसगुल्ले काट के तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हमें ये जो मलाई जो तैयार की थी उसको हमने ले लिया है। अब हम एक एक पीस उठाएंगे गुलाब जामुन का और इसमें ऐसे हमें नाइफ से ले कर और गुलाब जामुन में ऐसे हमें भरते जाना है। देखिए, मलाई को ऐसे हम डालते जाएंगे
देखिए हमने गुलाब जामुन में मलाइया जो है भर ली अच्छे से। अब हमें ले लेना है प्लेट, प्लेट में हम रखते जाएंगे। हमने ये वाइट वाला प्लेट ले लिया है और इसमें गुलाब जामुन को हम रख लेंगे। ऐसे ही सारा भर के हम तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन में हमने मलाइया जो है भर ली हैं, ये तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम उस कटे हुए बादाम से इन्हें हम सजा देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरीके से आप गुलाब जामुन को ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए हमने मिठाई को जो है सजा दी है। ऐसे आप मिठाई ज़रूर बनाइए।